तीन मोदी अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेवा दल ने तीन गांधी दिया है और अभी जो हालात है तीन मोदी है। मिशन हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, अभी शुरुआत हुई है। और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली से मधु गुरंग मैम आई हैं, हिमाचल से पवन जी आए हैं और बिहार प्रदेश के एक राष्ट्रीय नेता हैं नारायण सिंह जी, वो मिलके तमाम और टीमें हैं उन सब टीमों के साथ मिलके अभी शुरुआत हुई है और ये प्रखंड स्तर से लेके बूथ स्तर तक का इसकी ट्रेनिंग की काम करने का काम होगा। ट्रिपल स्तर तक का काम करेगा कांग्रेस सेवा दल और जल्दी सारे काम की शुरुआत हो चुकी है, बूथ स्तर तक जाएगा और ये इसमें इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने में जुटी है और इसको लेकर बिहार कांग्रेस सेवा दल की ओर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और कांग्रेस खुद को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या जानकारियां दे रहे हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस सेवा दल द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हुआ है, आज 8, 9, 10 उसी का उद्घाटन कार्यक्रम सत्र बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी द्वारा किया गया है और ये प्रशिक्षण बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आए हैं, 125 लोग अभी आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे इस कड़ी में और ये निरंतर लगातार चलते रहेगा, लगातार वर्षों तक का कार्यक्रम है, हमेशा चलते रहेगा। प्रत्येक जिलों में प्रत्येक प्रखंड में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। बूथ लेवल तक जोड़ने की बात आप कह रहे थे अभी भाषण में जी, कि किस तरह से पार्टी को मजबूत कीजिएगा आप लोग? बूथ लेवल स्तर तक का काम करेगा कांग्रेस सेवा दल और जल्दी सारे काम की शुरुआत हो चुकी है, बूथ स्तर तक जाएगा और ये इसमें इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, अपना ये तैयारी हमेशा करते रहा है और आगे भी करते रहेगा। आज आपको अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है? हाँ, मुझे लालजी भाई देसाई जी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं उनके द्वारा नियुक्त किया गया है और उसी का आज प्रशिक्षण समारोह शुभारंभ साथ ही साथ मेरा शपथ समारोह भी था। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? जो कांग्रेस सेवा दल का जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के इसके बारे में और अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, अभी जो क्या है मैसेज, क्या देना है, क्या दिया जा रहा है, सच्चाई क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, उसी के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम ही काम करेगा सेवा दल। सेवा दल के इस पहल से बिहार कांग्रेस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला? डेफिनेटली अपना पार्टी मजबूत होगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मजबूत होगा, अखिलेश बाबू के नेतृत्व में ये काम चल रहा है, विभिन्न प्रकोष्ठ जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ हैं, NSUI है, महिला हैं, सेवा दल है, सभी पर हमारे अध्यक्ष जी की निगाहें हैं और सबको एक्टिव कर रहे हैं और इससे क्या है कि कांग्रेस अपने पैरों पर भविष्य में खड़ा होगी। कौन कौन लोग प्रशिक्षण देंगे और किनको प्रशिक्षण देंगे? प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, अभी शुरुआत हुई है और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली से मधु गुरंग मैम आई हैं, हिमाचल से पवन जी आए हैं और बिहार प्रदेश के एक राष्ट्रीय नेता हैं नारायण सिंह जी, वो मिलके तमाम और टीमें हैं उन सब टीमों के साथ मिलके अभी शुरुआत हुई है और ये प्रखंड स्तर से लेके बूथ स्तर तक का इसकी ट्रेनिंग की काम करने का काम होगा। डॉक्टर संजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। संजय जी एक छोटा सवाल, अभी तीन मोदी अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेवा दल ने तीन गांधी दिया और अभी जो हालात है तीन मोदी हैं, आप जानते हैं बखूबी बेहतर ढंग से। कौन है वो तीन? सब पूरा देश जानता है, हम लोग किससे लड़ रहे हैं, हम लोग के कैसे लड़ेंगे, लड़ाई बूथ स्तर तक लड़ा जाएगा, लड़ाई आगे देखिए कैसे लड़ा जाता है बिहार से लेकर पूरे देश तक। सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि जो कांग्रेस है वो किस तरीके से मजबूत हो, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन आगामी जो दो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव, इन तमाम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो और इसको लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए दिल्ली से और कई राज्यों से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हैं पटना और पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे कि आखिर कांग्रेस जो है वो नेतृत्वकर्ता कैसे बने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसजी न्यूज़।